हेलो फ्रेंड्स, मैं पुनीता अपने चैनल लिव विद पुनीता में आपका स्वागत करती हूँ। और ये जो आज का ब्लॉग है, ये एक रिक्वेस्टेड ब्लॉग है। मुझे मेरे से एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है कि आप अपनी साड़ी का कलेक्शन हम लोग के साथ शेयर करिए। तो आज मैं वही ब्लॉग बना रही हूँ, उनका रिक्वेस्ट पूरा कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी से पूरी साड़ी का कलेक्शन तो शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा बन जाएगा। मैं अभी कुछ साड़ियों का कलेक्शन आपसे शेयर कर रही हूँ, बाकी मैं आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी आप लोग के साथ। और अब मैं आपको अपनी साड़ी का कलेक्शन दिखाती हूँ। फर्स्ट मैं आपको ये वाली साड़ी दिखाती हूँ, ये देखिए। एक मिनट, मैं खोल के इसे दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये साड़ी बहुत प्यारी है। इसे पहनने के बाद बहुत प्यारा लुक आता है। और यही इसका पल्लू है, और यही इसके नीचे बॉर्डर में यही बेल बनी हुई है। ये जरी की है, यही पूरी साड़ी में यही बेल बनी हुई है। ये देखिए, मैं खोलूँगी नहीं, क्योंकि बार बार फोल्ड करना पड़ता है और बहुत परेशानी होती है हैवी साड़ी को फोल्ड करने में। और बाकी पूरी साड़ी में यही है, ये देखिए। बाकी पूरी साड़ी जो है वो प्लेन है, इसके अंदर कोई बूटी नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, बाकी पूरी साड़ी प्लेन है। और इसके आंचल पर कुछ इस ये कुछ लटकन लटका हुआ है, ये देखिए। फ्रेंड्स, ये साड़ी ऐसे समझ में नहीं आ रही है, मैं इसे एक बार पहन के आप सभी को दिखाती हूँ कि ये कितना, इसका कितना प्यारा लुक आता है। देखिए, मैं आपको पहन के दिखाती हूँ साड़ी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं आपको ये साड़ी दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाइट है और ये ब्राउन है, और नीचे में नेवी ब्लू है। ये तीन कलर का मिक्स साड़ी है। ये साड़ी बहुत प्यारा है, ये जरी का वर्क है, पर ये बहुत ही हल्की है। पहनने के बाद ये बिल्कुल हैवी नहीं लगती है। ये इसका देखिए फ्रेंड्स, ये इसका आँचल है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें जरी का वर्क है और बहुत हैवी साड़ी नहीं, आंचल भी इसका जो है वो बहुत हैवी नहीं है, बस आंचल इस तरह है। और पूरी साड़ी में जी वाली बॉर्डर, ये बॉर्डर जो है पूरी साड़ी में है। और ये जो नेवी ब्लू है, ये हमारे नीचे आता है और इस तरह से हम इसे पहनते हैं। ये ब्राउन वाला ऊपर की तरफ रहता है। मैं इसे भी आपको पहन के दिखा रही हूँ। मैं आपको तीसरी साड़ी दिखा रही हूँ, और ये देखिए, ये तीसरी साड़ी है। ये भी पिंक कलर की है। फ्रेंड्स, मेरे पास पिंक कलर की साड़ी बहुत है, मुझे बहुत अच्छी लगती है पिंक कलर, इसलिए मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे पिंक ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं वही कलर पसंद कर लेती हूँ, लेके आ जाती हूँ। ये देखिए, ये तीसरी साड़ी है, और इसका जो ये आँचल है, ये देखिए, ये इस तरीके से है। और ये देखिए, इसका बॉर्डर कितना प्यारा लग रहा है ना, पिंक पे ये ब्लैक बॉर्डर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैंने इसे गणेश चौथ की पूजा में पहना था, और मैं उस वीडियो का लिंक आप सभी के साथ शेयर कर दूंगी, आप उसे वॉच कर लीजिएगा। ये देखिए, ये जगह जगह पे बूटी दी गई है, बस ये पूरे आँचल में है। और ये साड़ी के जहाँ प्लेट लगाते हैं वहाँ पर, ये देखिए, थोड़ा थोड़ा है, और पूरी साड़ी में ये बॉर्डर है। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये बॉर्डर पूरी साड़ी में है। मैं इसे भी पहन के आप लोग को दिखा रही हूँ। अब मैं आपको ये चौथी साड़ी दिखा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है। मैंने इसे करवा चौथ पे लिया था, और इसे मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, और
इसका आंचल जो है, पूरी साड़ी और आंचल, मैं आपको आंचल इसका दिखाती हूँ एक मिनट। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका आंचल ऐसे है। आंचल में सिर्फ गोल्डन गोल्डन तीन पट्टियाँ गई हैं और बाकी जो बॉर्डर है वो रेड कलर का इसका बॉर्डर है। इस पर कोई वर्क नहीं है और ये पहनने में बहुत खूबसूरत ये साड़ी लगती है। मैं इसे अभी पहन के नहीं दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना फूला फूला है। मुझे बहुत टाइम लगता है इस साड़ी को पहनने में। मैं कभी भी किसी भी फेस्टिवल पे या कहीं जाऊंगी इसे पहन के, तो वो वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। पर अभी मैं इसे नहीं पहनूंगी क्योंकि बहुत टाइम लगता है इस साड़ी को पहनने में। बाकी साड़ी तो हम आसानी से पहन लेते हैं, लेकिन इसका प्लेट बनाने में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए ये साड़ी मैं नहीं पहन के दिखाऊंगी। और मैं आपको पांचवी साड़ी दिखा रही हूँ। वो येलो कलर की थी, मैंने तीज पे उसे दी थी तो मुझे येलो कलर अच्छी लगी थी ये साड़ी, मैंने उसे ऑनलाइन मंगाया था। पांचवी साड़ी देखिए फ्रेंड्स, ये ग्रीन कलर की है और ये मुझे मायके से मिला था। इसका भी कपड़ा बहुत सॉफ्ट है और इसका आंचल, ये देखिए फ्रेंड्स, इसका आंचल है ये और ये बॉर्डर है ये इसका। इसका बॉर्डर बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है ये साड़ी। ये बहुत हल्की है, आप इसे गर्मी में और ठंडी में दोनों में पहन सकते हैं। ये फ्रेंड्स इजी टू वेयर है, आप किसी भी मौसम में पहन सकते हैं, ठंडी गर्मी बरसात। और ये देखिए कपड़ा इसका कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट है कपड़ा इसका और ये चुभता भी नहीं है साड़ी। ये देखिए ये कितना खूबसूरत लगता है, मैं इसे पहन के दिखा रही हूँ आपको। फ्रेंड्स, और ये छठी साड़ी है। ये साड़ी आप लोगों ने देखा है, मैंने होली पे इसे पहना है। ये देखिए इसका आंचल मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत प्यारा आंचल लगा। मैं होली पे गई, जब मैंने दुकान पे इसे देखा तो मुझे एक नज़र में भाग गई। और ये भी कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है, ये देखिए। और ये जो है ये बॉर्डर पूरी साड़ी पे है और ये भी साड़ी मुझे बहुत पसंद है। और इसका भी कपड़ा बहुत मखमल की तरह है, एकदम मुलायम है। फ्रेंड्स, ये साड़ी मैंने होली पे पहनी है तो मैं इसे पहन के आप सभी को नहीं दिखाऊंगी। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी होली का, आप वहां से जाके इसका लुक आप देख सकते हैं। और इसके साथ मुझे ये ब्लाउज़ मिला था, बहुत खूबसूरत ब्लाउज़ था ये, ये सिला सिलाया मुझे मिला था। मैं आपको सातवीं साड़ी दिखा रही हूँ और ये देखिए, ये साड़ी मेरी बहन के ससुराल से आया था, छोटी वाली बहन के। और ये बहुत प्यारी साड़ी है, थोड़ा हैवी है इसका ये जो बॉर्डर है, ये बहुत हैवी है पर कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, इसकी वजह से इसे भी मैं आसानी से पहन लेती हूँ। प्लेट्स इसके बहुत अच्छे बैठते हैं। और ये इसका आंचल है फ्रेंड्स, ये देखिए इसका आंचल है, कितना खूबसूरत है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका आंचल है और सेम यही बॉर्डर पूरी साड़ी पर है। और नीचे साड़ी के जो है, जो जहाँ हमारा पल्ला बैठता है, वो देखिए यही डिज़ाइन आता है पल्ले पर। ये देखिए, ये भी साड़ी बहुत खूबसूरत है, दो कलर में है, डार्क ग्रीन एंड लाइट ग्रीन। ये देखिए लाइट ग्रीन और ये नीचे में डार्क ग्रीन हो गया इधर में। फ्रेंड्स, ये मैंने आपसे सातवीं साड़ी और आखिरी साड़ी दिखाई है क्योंकि और साड़ी मैं अगर आपके साथ शेयर करूंगी तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए मैंने ये आखिरी साड़ी आपको दिखाई है। अगर आपका रिक्वेस्ट होगा तो मैं आपको बाकी साड़ी भी दिखाऊंगी।
फ्रेंड्स मैंने अभी आपको 7 साड़ियाँ दिखाई हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा इसलिए मैंने अभी पूरी साड़ियाँ आपको नहीं दिखाई हैं। अगर मेरी साड़ियों का कलेक्शन आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं आपके साथ बाकी की साड़ियों का भी कलेक्शन शेयर करूँगी। और आपको इन 7 में से कौन सी साड़ी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा आप। फ्रेंड्स वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और आपका एक लाइक अगर हमें मिल जाता है तो हमें बहुत खुशी मिलती है कि वीडियो बनाना हमारा सफल हो गया। फ्रेंड्स मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी थी, साड़ियों को खोल के दिखाने में, फिर मैंने उसे फोल्ड किया और पहन के दिखाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी। फ्रेंड प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। और प्लीज़ फ्रेंड मेरे वीडियो को फुल वॉच करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर को। और फ्रेंड्स मैं ब्लॉग को यहीं समाप्त कर रही हूँ। बाय बाय।